जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है, चेहरे जरूर याद रखता है। डर कर किसी से रोना नहीं, अदम्य साहस भरा तुझ में, धीरज अपना खोना नहीं, उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। पोछ ले गम के आंसू अपने, बीज समझ कर बोना नहीं, छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढोना नहीं, खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपने ज़िंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। कभी कभी लगता है ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ ख़त्म कर दूँ। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को वो अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो, अपने तपस्या से आप इस वास्तविक ज़िंदगी के हर हिस्से से ज्ञात हो, क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं दो वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की ज़िंदगी जीने लगूँ, क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊँगा। तपस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा, वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर सारे पंछियों के घोंसले हैं, वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पंछियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी तुम इन पंछियों का घर तोड़ोगे तब उसमें कोई भी पक्षी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े तपस्वी जी ने इनको इन सारे पक्षियों का घर तोड़वाने का पाप का काम मेरे हाथ में कैसे दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन सारे पंछियों को देखकर सोचता है, अरे ये पंछी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू किया। देखते देखते ही सारे पंछी घबरा गए,
और वो अगल बगल में दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पंछियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था, वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, अभी वापस जाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन सुबह ये इंसान फिर से एक बार इन पंछियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा वो वहाँ इन पंछियों ने फिर से कण कण इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाने की शुरुआत की। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करके अपना घर बनाने में लगे हैं, ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसका मन थोड़ा बहुत हंसने को हुआ, लेकिन फिर वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पंछियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पंछी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर इस मनुष्य ने लौटने से पहले इन पंछियों के टूटे हुए घोंसलों पर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे ये पंछी फिर से एक बार ये घोंसला बना ना पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर मैंने तो इन पंछियों का घर दोबारा तोड़ दिया, ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी ही हैं या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसका बताया काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उठकर नदी पार करके उन पंछियों के घोंसले की ओर चला जाता है और देखता है तो वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नज़र नहीं आता और ना पंछी नज़र आते हैं। वो सोचता है कि अभी तो ये पंछी यहाँ से चले गए हैं, तो अभी मेरे वापस उसी जगह आने का क्या फ़ायदा। मैं तो अभी उन तपस्वी के पास चला जाऊँगा और उनको बताऊँगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी जी की ओर जाने निकलता है, तभी उसको वहाँ पर एक नया बड़ा घोंसला देखने को मिलता है जो इन्हीं पंछियों ने बनाया होता है। यानी ये पंछी अपने नए घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना एक घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसलिए ही उन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ये इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमने इन पंछियों की मदद करनी चाहिए थी, इसके अलावा हम तो इन पंछी का घर तोड़ रहे हैं। वो इंसान तपस्वी जी ने बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर से एक बार इन पंछियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपने घर वापस लौटने के लिए निकला तो पहले से ज़्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ, मैं इन पंछियों को उनका नया घर तक बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके इन्हीं पंछियों के नए घोंसले की ओर चला गया। फिर देखा कि इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना और एक घोंसला बना लिया था और वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। ये देखकर इस इंसान को लगा कि ये पंछी मेरे से कितने छोटे हैं तो भी ये हार नहीं मान रहे हैं, मैंने कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया तो भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर वो फिर से एक बार पंछियों ने बनाए हुए घोंसले को तोड़ दिया और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तब उसे पता चला कि उसके हाथ से कुछ पंछियों की मौत हो गई है। इस बार ये सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अत्याचार अब मैं नहीं कर पाऊँगा। पाँचवें दिन वो उठकर इन पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुँच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पंछियों के घोंसले की ओर चला गया। फिर भी उसने देखा ये पंछी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ नया घोंसला बनाने में लगे थे। उसने इन पंछियों को खाना खिलाया और वो अगले 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद ये इंसान उन्हीं तपस्वी के पास जंगल में चला जाता है और कहता है, तपस्वी जी जैसा आपने बताया वैसा मैंने बताया हुआ काम पूरा करने की कोशिश की, मैंने उन पंछियों के घोंसलों को
एक नहीं बल्कि चार बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उन घोंसले तहस नहस करने में मेरे हाथ से कुछ पंछी मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया। ठीक है तो मैं मेरे घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे इंसान तुझे घर जाने की इतनी क्या जल्दी, थोड़ा जलपान करो इसके बाद तुम घर लौटो। तपस्वी जी इस युवक इंसान के हाथ में पानी का लोटा दे देते हैं। ये इंसान जलपान कर लेता है। इसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं कि अरे बेटा तुम इन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए। तब इस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी मैंने एक नहीं बल्कि चार बार उन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान तुम इन पंछियों से कितने विशालकाय हो, जरूर इन पंछियों से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी तुम उनका घर आखिर तक तोड़ नहीं पाए। मैंने तुमको उन पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें ज़रूर इन चीज़ों से कुछ सीख मिली है। तुम्हारे लिए पहली सीख है, तुमने पंछियों का घोंसला कितनी भी बार तबाह करने की कोशिश की लेकिन वो पंछी तुम्हारी कृति से टूटे नहीं बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है, जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज़ टूट कर भी हार नहीं मान रहे थे, वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे। लेकिन हम इंसान एक दो बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इतना ही क्या, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है और मृत्यु अंतिम सत्य। इसलिए नौजवान तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को ही जाना है। अभी तुमने इन छोटे पंछियों से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पंछी आकार से जरूर छोटे हैं लेकिन वो मन से बड़े थे, वो विशालकाय थे लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है उसके सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। इस तरह ये दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों हम आशा करते हैं आपने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी की सीख ली होगी और आप भी अपने जीवन में इस सीख का इस्तेमाल करोगे। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।